अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के लेटेस्ट अपडेट्स क्या है। तो दोस्तों आज हम दिन भर की बड़ी अपडेट देखने वाले हैं कि आज दिन भर क्या हुआ। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे बड़े फैसले के लिए हमें तैयार रहना है। फाइनल कट ऑफ क्या हो सकती है दोस्तों, उसको जानेंगे। नया सर्वे का पूरा विश्लेषण किया जाएगा दोस्तों इस वीडियो में। काफी बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, तो उससे पहले दोस्तों हम बात करेंगे जो आज की एक बड़ी अपडेट निकल कर आई आपके सामने कि अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। दोस्तों कोर्ट ने इस फैसले में विवादित जमीन राम जन्मभूमि न्यास को देने का फैसला किया है, जबकि मुस्लिम पक्ष को अलग स्थान पर जगह देने के लिए कहा गया है। यानी सुन्नी वक्फ बोर्ड को कोर्ट ने अयोध्या में ही अलग जगह जमीन देने का आदेश दिया है। 5 जजों की बेंच ने यह फैसला सर्वसम्मति से दिया है। तो दोस्तों 5 एकड़ जमीन देने की बात कही गई है मुस्लिम पक्ष को। तो दोस्तों यह आज की सबसे बड़ी अपडेट है। और दोस्तों बात करेंगे कैसे 70 से अधिक गुणांक वाले बच्चे अपने जिले में नौकरी पा पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, काफी बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमारे 71 अंक का गुणांक है, 72 अंक का गुणांक है, क्या हमें अपने जिले में नौकरी मिल पाएगी। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती अगले हफ्ते तक केस फाइनल। जी हाँ दोस्तों, काफी दिन से आप लोग इंतजार कर रहे हैं, बस आप 13 नवंबर का और इंतजार करिए। तो दोस्तों अगर सब कुछ सही रहा तो आप लोग का केस बहुत ही जल्दी फाइनल होगा। और कितने बच्चे पास होंगे, कितने बच्चे फेल होंगे, कितने शिक्षा मित्र हैं पास, जी हाँ दोस्तों इस पर भी डिस्कशन होगा इस वीडियो में। अगर 40-45 की जीत हो जाती तो कितने शिक्षा मित्र हैं जो पास कर जाएंगे 40-45 कट ऑफ में, उस पर बात करेंगे। आखिर फाइनल कट ऑफ क्या हो सकती है दोस्तों, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। तो आज ढेर सारी खबरें आपके लिए आ चुकी हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिला। और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो का आज का सबसे पहले सबसे बड़ा क्वेश्चन, बड़े फैसले के लिए तैयार रहना। जी हाँ दोस्तों, तो जैसे आज एक बहुत ही बड़ा फैसला निकल कर आया दोस्तों, और आज का दिन हम आपको बता दें कि आपका ये इतिहास में ये दिन आपका रजिस्टर्ड हो चुका है। और दोस्तों करंट अफेयर का भी ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो दोस्तों आज की डेट 9 नवंबर को आपको याद रखना है, 9 नवंबर 2019। तो दोस्तों आज नहीं तो कल कभी ना कभी ये क्वेश्चन पेपर में जरूर बनेगा आपके सामने। तो दोस्तों बड़े फैसले के लिए हमें तैयार रहना है, मतलब साफ है दोस्तों कहने का कि 40-45 या 60 और 65। तो दोस्तों उस दिन भी एक ही कट ऑफ की जीत होगी, या तो सिर्फ 40-45 जीतेगा या 60 और 65। तो दोस्तों 30 से 40 हजार बच्चों की जिंदगियां दांव पर है, मतलब साफ है दोस्तों सबका कैरियर। अगर 40-45 की जीत होती है तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि 30 से 40 हजार शिक्षा मित्र अधिक नौकरी पाएंगे। अगर 60-65 की दोस्तों जीत होती है तो जो 30 से 40 हजार शिक्षा मित्र नौकरी पा रहे थे वो सीधे तौर पर बाहर होकर वहां पर बच्चे नौकरी पाएंगे, BTC या आपके BEd के छात्र। तो दोस्तों ये जो फाइनल कट ऑफ का डिसीजन या निर्णय आने वाला है आने वाले समय में, ये भी बहुत ही बड़ा निर्णय हो सकता है जस्ट आपका, क्योंकि दोस्तों हमें पता है कि आने वाले टाइम में दोस्तों जीत तो एक ही पक्ष की होगी, या तो 40-45 या तो 60-65। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि जो भी पक्ष जीते, तो दोस्तों जीत बच्चों की होनी चाहिए। और एक चीज दोस्तों और हम आपको कहना चाहेंगे कि आज जो भी अयोध्या विवाद पर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, तो आपको शांति कायम रखना है, ठीक है दोस्तों। हम सब यार इंडियन है, ठीक है, हमें कुछ भी गलत नहीं करना है, हमें अपने देश का नाम आगे बढ़ाना है। तो दोस्तों देखिए, हर एक बच्चे को नौकरी चाहिए आज की डेट में, हमारा मेन मुद्दा है नौकरी, चाहे वो बच्चा हिंदू हो या मुसलमान हो, सबको नौकरी चाहिए यार, ठीक है। सभी बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि कब ये वैकेंसी फाइनल होगी हमारी, कब 40-45 या 60-65 की जीत होगी और कब हमें नौकरी मिलेगी। हर एक बच्चे को आज के दिन रोजगार चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फाइनल कट ऑफ क्या हो सकती है, नया सर्वे का दोस्तों पूरा विश्लेषण किया जाएगा, आखिर 20 से 22% बच्चे जो 70 से अधिक गुणांक पर बन रहे हैं, ठीक है, तो अगर उनकी संख्या 20,000 से अधिक हो गई तो क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर 20,000 छात्र सिर्फ 70 से अधिक गुणांक वाले बच्चे बैठे और 30,000 से 40,000 शिक्षा मित्रों के लिए रिजर्व हो जाती है, तो दोस्तों सीटी क्या बची फिर जिन बच्चों के 70 से कम गुणांक है। तो दोस्तों ये चौंकाने वाला फैसला भी है आप लोगों के लिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे कैसे 70 से अधिक गुणांक वाले बच्चे अपने जिले में नौकरी पा पाएंगे। देखिए एक बात आपको यहाँ पर बिल्कुल हम क्लियर करना चाहेंगे पहले कि अगर 40-45 की दोस्तों जीत हो जाती है, अगर आपके 70+ भी गुणांक है, तो आपको अपने जिले में नौकरी पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि दोस्तों वहां पर शिक्षा मित्रों की तादाद काफी बढ़ जाएगी। और दोस्तों जो शिक्षा मित्र का मिनिमम गुणांक बनेगा वो 73 का बनेगा, तो मतलब 73+ हर एक शिक्षा मित्र रहने वाले हैं, तो आपको जो कंपटीशन करना है, फाइट करना है, वो 73+ गुणांक होना चाहिए आपके पास। तो ये बात आपको बहुत ही सही से समझना है। अगर आपको लगता है कि यार हम लखनऊ में ही रहते हैं, हमें लखनऊ में ही नौकरी चाहिए, तो दोस्तों
उसके लिए आपका जो गुणांक होना चाहिए वो बहुत ही परफेक्ट होना चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि नहीं यार सिर्फ हमारा 70 अंक का गुणांक है और हम नौकरी लखनऊ में पा जाएंगे, तो इतना आसान नहीं होने वाला है। दोस्तों एक और बात हम आपसे कहना चाहेंगे, जब आप अपने प्रेफरेंस लिस्ट बनाइएगा ना तो उसे बहुत ही परफेक्ट बनाना। एक गलती से दोस्तों आप लोग लाइफ टाइम परेशान रहेंगे। होता क्या है कभी कभी दोस्तों आप लोग साइबर कैफे जाते हैं जल्दबाजी में, दोस्तों अगर आपको 10 जिलों का चयन करना है, ठीक है 10 जिलों का, पहला आप अगर लखनऊ में रहे तो लखनऊ डाले, दूसरा दोस्तों आपने रायबरेली डाल दिया, तीसरा आपने आगरा डाल दिया, चौथा कानपुर डाल दिया। लेकिन दोस्तों अगर आप चाहते तो नहीं यार लखनऊ के बाद हमें कानपुर ही डालना था, उसके बाद दोस्तों अगर आपको रायबरेली में नौकरी मिल जाती है तो आप हो जाएंगे परेशान, क्योंकि दोस्तों 3 साल से पहले आपका ट्रांसफर नहीं होगा। अगर आप एक लड़के हैं तो 3 साल कम से कम ट्रांसफर के लिए वेट करना होगा, अगर आप एक लड़की हैं तो आपका 1 साल के बाद। लेकिन दोस्तों उसमें सीनियरिटी देखी जाती है, अगर कोई लड़का पहले से आपसे सीनियर बच्चा है भले वो 1 दिन ही सीनियर क्यों ना हो, तो दोस्तों पहले उसको ट्रांसफर के लिए प्रिफरेंस या प्रायिकता दी जाएगी, आपको बाद में दिया जाएगा। तो ये सब छोटी छोटी मिस्टेक्स आपसे हो सकती है, उस समय इसको भी आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपको अपने जिले में ही नौकरी चाहिए तो जो आपकी प्रेफरेंस लिस्ट हो वो बहुत ही परफेक्ट होनी चाहिए। एक छोटी सी गलती से दोस्तों आपका नौकरी इधर से उधर हो सकता है। बात दोस्तों यहाँ बड़ी बात नहीं कि हमें नौकरी मिल जाए, लेकिन दोस्तों अपने घर पर मिले वो ज्यादा बड़ी बात होती है, ठीक है। तो दोस्तों हम बात करेंगे कितने शिक्षा मित्र हैं पास, 40-45 पर। दोस्तों दोस्तों हमने पहले आपको बता चुके हैं कि अगर 40-45 की जीत होती है तो 30,000 से लेकर 40,000 के बीच में शिक्षा मित्र पास होंगे। 30 से 40 हजार का एक इनका रेशियो हो सकता है, क्योंकि दोस्तों पासिंग मार्क आप समझ रहे हैं 40-45% का मतलब समझ रहे हैं, आपका 60 नंबर और 67 नंबर। 67 नंबर दोस्तों आपका रहेगा जनरल और ओबीसी दोनों के लिए। जी हाँ दोस्तों यहाँ पर जनरल के लिए आगे अकेले 67 नंबर नहीं रहने वाला, जनरल प्लस ओबीसी और 60 नंबर में एससी और एसटी। तो दोस्तों इस तरह आपकी फाइनल कट ऑफ बनेगी, तो उसके आधार पर दोस्तों आपको नौकरी दी जाएगी। तो दोस्तों लेकिन अब एक बात तो श्योर है कि बड़े फैसले के लिए भाई कोर्ट पूरी तरीके से तैयार है, और आने वाले 3 दिनों में दोस्तों जो 13, 14 और 15, ठीक है दोस्तों उस 3 दिनों में हो सकता है कि आपका केस भी फाइनल हो जाए, तो बड़ी अपडेट्स आ सकती है अगले हफ्ते। वैसे भी दोस्तों आज आपकी शनिवार हो चुकी है, बस संडे और अगले हफ्ता शुरू होने वाला है, तो आपके अंदर भी काफी क्यूरियोसिटी दोस्तों या दिलचस्पी बढ़ रही होगी यार आखिर फैसला क्या आएगा, किसकी होगी जीत। देखिए दोस्तों ये बात आज उत्तर प्रदेश के हर एक छात्र के मन में, जो बच्चे चाहे बीएड के छात्र हो चाहे वो बच्चे डीएलएड के छात्र हो, सभी बच्चे यार ये सोच के रखे हैं यार कि क्या होगा, हमें क्या नौकरी मिलेगी। दोस्तों देखिए इस बार जिन बच्चों को नौकरी मिल जाएगी वो सबसे लकी बच्चों में से एक होंगे। देखिए दोस्तों हम बात करने वाले थे नया सर्वे का पूरा विश्लेषण। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों नया सर्वे का पूरा विश्लेषण करें तो जो नया सर्वे हमने आपको पहले बताया था, जो हमारा सर्वे दोस्तों 70 से अधिक, ठीक है जो 70 से अधिक बच्चे नंबर पा रहे थे वो हमारे हिसाब से दोस्तों हमारे जो कमेंट क्वेश्चन थे आपने जो आंसर किया वो दोस्तों हमारा था 20% से लेके 22%। तो दोस्तों साफ है कि अगर हम 1 लाख में इसका रेशियो निकालें तो 20 से 22 हजार छात्र सिर्फ 70 से अधिक गुणांक है। तो दोस्तों अगर 20 हजार सीटें ये रिजर्व हो जाएंगी, क्योंकि ये 40-45 की अगर जीत होती है तो भी दोस्तों ये बच्चे नौकरी पाएंगे, 40-45 की हार होती है तो भी ये बच्चे नौकरी पाएंगे, मतलब इन बच्चों को तो नौकरी पाना ही पाना है। और दोस्तों जो बच्चों के गुणांक 70 से कम बन रहे हैं तो वो साफ साफ इनकी रेस से तो बाहर हो चुके हैं, चाहे वो बीटीसी के छात्र हो चाहे वो बीएड के छात्र हो। अब शिक्षा मित्र को हम नहीं कहेंगे क्योंकि इनके पास 25 अंक का भारांक है, तो दोस्तों ये पीछे तो नहीं होने वाले, ये आगे ही हो जाएंगे, कम तो नहीं होगा इनका। तो ये बात दोस्तों अब आपको समझ में आ चुकी होगी कि यार जो नया सर्वे आया जो नया विश्लेषण हो रहा है दोस्तों उसके हिसाब से काफी बच्चे ऐसे हैं जो 70 से भी ऊपर चल रहे गुणांक में। तो दोस्तों उन बच्चों की तो नौकरी डेफिनेटली लगने वाली, 100% दोस्तों श्योर है कि उनकी नौकरी लग जाएगी। सिर्फ जनरल के बच्चों में थोड़ा बहुत हो सकता है कि ऊपर नीचे हो जाए जनरल कैटेगरी में, उसके अलावा दोस्तों अन्य सभी वर्गों में आग बंद करके उनको नौकरी मिल जाएगी, ठीक है। दोस्तों अब बात करेंगे आपकी फाइनल कट ऑफ क्या हो सकती है। देखिए हम आपको बिल्कुल क्लियर बताते हैं हुआ क्या है कोर्ट में अब तक और आने वाले समय में होगा क्या। 60-65 टीम ने दोस्तों अपना सबमिशन कंप्लीट किया। सबसे ज्यादा बात या सबसे बड़ी बातें कही गई, सरकार के पास क्या है, आपके पास पावर है, सरकार के पास क्या है अधिकार है, सरकार जब चाहे कट ऑफ को बदल सकती है। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्या वो पेपर के पहले बदल सकती है या बाद में, एक ये सवाल खड़ा होगा, ठीक है। दूसरा सवाल दोस्तों ये खड़ा होता है कि बात कही गई विज्ञप्ति। जी हाँ दोस्तों विज्ञप्ति में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है, 40-45 जो इससे पहले 68,500 थी दोस्तों वो विज्ञप्ति बिल्कुल अलग थी, 69,000 की दोस्तों विज्ञप्ति अलग है, और साफ साफ दोनों में एक चीज मेंशन किया गया है कि यह शिक्षक भर्ती सिर्फ इसी भर्ती के लिए मान्य होगा, यह सुपर टेट का पेपर आपका इसी भर्ती के लिए मान्य, तो मतलब वो बात भी खत्म होती है। तो यहाँ पर 60-65 टीम का थोड़ा सा पक्ष मजबूत दिख रहा है। उसके बाद दोस्तों एक और बहुत अच्छी बात कही गई, क्या कही गई थी दोस्तों अगर आपको पता हो तो,
जो आपका पेपर का पैटर्न है 68,500 और 69,000 में दोस्तों दोनों डिफरेंस था, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। वहां आपने लिखित परीक्षा दिया था और यहाँ पर OMR बेस दिया, तो दोस्तों एक यहाँ पर एक बड़ा अंतर होता है, क्योंकि अगर आप लोग 150 क्वेश्चन को लिख कर हल करेंगे दोस्तों और 150 क्वेश्चन में आपको सिर्फ ऐसे बबल करना है, तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क होगा। तो डेफिनेटली दोस्तों ये शिक्षक भर्ती यहाँ से अलग होती है। और एक बात और दोस्त, एक और बात कहेगी कि वहां बच्चे 1,25,000 छात्रों ने पेपर दिया था, 1,25,000 के करीब, और दोस्तों यहाँ पर 4,10,000, मतलब लगभग सीधे 4 गुना बच्चे बढ़ गए। उसके हिसाब से कट ऑफ को थोड़ी हाई किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, दिक्कत तब पैदा होती है जब बच्चे ना मिले। अगर सरकार 60 और 65 का पक्ष लगाती है, अगर सरकार के पास ऐसा कोई भी डेटा है कि नहीं 60-65 पर 1 लाख से अधिक छात्र पास हो रहे हैं, तो दोस्तों ये काफी हद तक जायज है कि चलो ठीक है। लेकिन दोस्तों कल को ऐसा ना हो, जैसे अगर आपका LT ग्रेड का आपने परिणाम देखा वैसा अगर हो गया तो फिर तो काफी दिक्कत होगी। तो ये सब चीजें दोस्तों ध्यान में रखना है हमें। और जिन बच्चों को नौकरी मिल गई तो समझ लीजिए उनकी किस्मत तो बहुत ही अच्छी है, चमकने वाली है। अब बात करेंगे शिक्षा मित्र पास, दोस्तों आपने हमें बता चुके हैं तो कितने बच्चे पास हो रहे हैं, कितने बच्चे फेल हो रहे हैं। देखिए 40-45 पर दोस्तों काफी बड़ी तादाद में बच्चे पास हो जाएंगे, तो 4 लाख छात्रों में समझ लीजिए 2 लाख से अधिक छात्र पास हो जाएंगे, तो आपका जो कंपटीशन होगा इतना ज्यादा जबरदस्त हो जाएगा, तगड़ा हो जाएगा, तो फिर दोस्तों नौकरी पाना उतना आसान नहीं रहेगा आप सबके लिए। तो बस दोस्तों कुछ और दिन का इंतजार करना है। तो फिलहाल जो आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला है दोस्तों, उसे आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी काफी अच्छा स्पीच दिया और हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी दोस्तों कल शांति के लिए अपना जो उनका आया था दोस्तों, तो सबने दोस्तों देखा, सभी के मैसेजेस हमने देखे, चाहे सीएम योगी जी के हो, चाहे पीएम जी के हो, मोदी जी के हो, तो सभी के दोस्तों हमने मैसेजेस देखे, सभी में एक चीज कॉमन थी कि शांति व्यवस्था में बनाए रखनी है। ठीक है, तो चलिए ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, और दोस्तों बात करते जो नया सर्वे के हिसाब से होगा विश्लेषण में, बस हमें इतना समझना है कि 20,200 सीट तो 69,000 में से आप निकाल दीजिए, उतनी सीट तो दोस्तों बच्चों ने रिजर्व कर रखी है 70 से अधिक गुणांक वाले, बाकी जो सीटें होंगी उसमें शिक्षा मित्र और BTC BEd के बचे कुछ छात्र उसमें फाइट करेंगे। ठीक है, ये बात आपको समझनी है। चलिए फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, और फाइनल कट ऑफ और बाकी की चर्चा अगली वीडियो में होती रहेगी। फिलहाल आज सुप्रीम कोर्ट का मुद्दा गर्म है, तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।